अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने देखा कि मराठी की जो नज़म है गाया गाया भिंगोरिया, इसको हम हरकत और सकनात के साथ किस तरह से पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर हिस्से में नज़म को अच्छी तरह से समझेंगे। चला तर अपन हिजी कविता आहे ती समजून घेऊया। एक एक ओळ सांगून मी तुम्हाला समजावून सांगते, ठीक आहे। चल, टप 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 पड़ती गारा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम जानते हैं कि बारिश के मौसम में जब तेज बारिश होती है तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी नीचे गिरते हैं, उनको कहते हैं गारा। तो यहाँ पे जब वो जो गार है जब नीचे गिरते हैं तो ऐसा टप 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 यहाँ पे उसका आवाज आता है। पट 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 वे जो सारा। तो जो बच्चे हैं नजम में बारिश पड़ने से ओले पड़ने से बहुत ही खुश हो गए और वो कहते हैं और वो कह रहे हैं कि जो जमीन पे ये गारे नीचे गिर गए हैं ना, तो हम उसे जल्दी 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 यहाँ पर चुन लेते हैं। पकड़ों की धरता वितुड़ गेल्या गारा गारा भिंगोरिया। लेकिन हम जानते हैं कि जो गार होते हैं ना बर्फ के, जैसे ही हम उन्हें पकड़ने जाएं तब तक वो पिघल जाते हैं। तो बच्चे भी यही कह रहे हैं कि जैसे ही हम उनको पकड़ने जाते हैं वो पिघल जाते हैं। वितुड़ मतलब यहाँ पर पिघल जाना होता है, तो वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। और जब वो पिघल जाते हैं तो जमीन पे ऐसे एक यहाँ पर गोल शक्ल, जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल होती है वो यहाँ पे तैयार हो जाती है, जिसे भिंगोरिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो चारोड़ी हैं, चार मिस्रे हैं, वो इस तरह से हैं। गड़गड़ गड़गड़ मेघ गरजती। सुना होगा आपने, जब बहुत जोर से तेज बारिश होती है ना तो जो बादल है वो कैसे गरजते हैं, तो हाँ बादल की जो गरजने की आवाज है ना उसे कहते हैं गड़गड़ गड़गड़ गड़। चमचम चमचम बीजा चमकती। जब तेज बारिश होती है तो बिजलियां कैसे कड़कते हैं, कड़कड़ कड़कड़ कड़। तो बिजलियों की जो कड़कड़ाहट है उसे कहते हैं चम चम चम, और बीज मतलब यहाँ पे होता है बिजलियां। थुई 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 मोरना। थुई 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 मोर नाचती। जब बहुत जोर से बारिश होती है ना तो मोर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से वो नाचने लगता है। गारा गारा भिंगोरिया। और जो जमीन पे पड़ने वाले जो ओले हैं पड़कर यहाँ पे इस तरह से नीरी की जैसे खिल गए हैं। इसके बाद के जो चार मिसरे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हाक आई ची ऐकू ये थे। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे, तो उनकी जो माँ है परेशान हो गए कि बच्चे बारिश में भीग कर क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए वो बच्चों को आवाज दे रही है कि चलो वापस, हो गया बहुत खेल हो गया, अब वापस अपने घर आ जाइए, घर आ जाओनी स्वच्छ हो गया। तो बच्चे बोल रहे हैं, देखो बच्चे कितने अच्छे बच्चे है, बच्चे भी बोल रहे हैं कि ठीक है माँ, अब हमने खेल लिया, अब हम घर में आते हैं और स्वच्छ यानी यहाँ पर हम अब साफ हो जाते हैं। गारा गारा भिंगोरिया। इस तरह से यहाँ पे नज़्म में हमें बताया गया है। तो पहले तो हमें यहाँ पर जो गार होते हैं उनके पढ़ने, उनके जब वो गिरते हैं उनकी आवाज़ बताई गई है, बच्चे किस तरह खुशी से उन्हें चुन रहे हैं वो बताया गया है, फिर बारिश में जैसे गड़गड़ आवाज़ आती है, बिजलियाँ चमकते हैं, खुशी से मोर नाचते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और जब पूरा खेल कूद हो गया तब बच्चों की माँ भी उन्हें आवाज़ दे रही है और बच्चे भी अपनी माँ की बात सुनकर वापस घर चले जाते हैं और साफ सुथरे होकर फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। इसी तरह आपने भी ये नज़म पूरी पढ़नी है, समझनी है और अपने हमेशा बड़ों का कहना मानना है। देखने